अभी आंदोलन खत्म के मूड में नहीं है किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की भी मांग की। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान, कहा 3 कृषि बिल वापसी का सर्टिफिकेट चाहिए जिससे हम बता सकें कि हमारी जीत हुई है। 26 नवंबर को दिल्ली के हर बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। माइक्रो लेवल पर चर्चा के लिए 27 नवंबर को अगली बैठक होगी। 29 नवंबर को किसानों का संसद तक मार्च तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। कृषि कानून वापसी के बाद देश का पहला सबसे बड़ा सर्वे एबीपी न्यूज सी वोटर के स्नैप पोल में लोगों ने कहा कानून वापस लेना सही है, मोदी सरकार की छवि पर असर नहीं। लखनऊ में जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम पर चर्चा होगी। फिर योगी आदित्यनाथ के घर पर डिनर से पहले कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। चलिए कुछ और सियासी खबरें पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो शेयर की। लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अंबर से ऊंचा जाना है, नया भारत बनाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी पर तंज। लिखा, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर हाथ रखना पड़ता है, कुछ कदम संग चलना भी पड़ता है। बाराबंकी में जागा ओवैसी का कुर्सी प्रेम। बेनी प्रसाद वर्मा की जमकर तारीफ की, कहा मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, नहीं तो सभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड वहीं जीत जाते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। मोगा में कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा। कल अमृतसर में व्यापारियों के साथ संवाद भी करेंगे। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर हुआ घमासान। मंत्री पद न मिलने से कुछ विधायक हुए नाराज। साफिया जुबैर और जौहरी लाल मीना ने शपथ ग्रहण समारोह से बनाई दूरी। और अब कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। मंत्रिमंडल में फेरबदल से नाराज विधायक दयाराम परमार ने सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी। बोले, कौन सी काबिलियत हासिल करें ताकि भविष्य में मंत्री बन सके। त्रिपुरा में टीएमसी नेता शयानी घोष की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज। अभिषेक बैनर्जी आज त्रिपुरा जाएंगे। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख में मिली आजादी वाले बयान पर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग की। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की गैरकानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई। सुरेश सिंह के करीब 2,81,00,000 की है संपत्ति। दिल्ली में प्रदूषण काबू करने के लिए लगी पाबंदियों की आज होगी समीक्षा। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे गोपाल राय। अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।